हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस यही मॉर्निंग रूटीन, डेली का मॉर्निंग रूटीन, ये तो डेली का ही काम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो अभी सबसे पहला काम चूल्हा को, मैं मिट्टी का चूल्हा है तो चूल्हा की साफ़ सफाई, तो पहले इसमें जो भी रात को हम खाना बनाए थे तो उसका राख था उसको मैं निकाल दी हूँ झाड़ू लगा के, और यहाँ पर उसको भी मैं फिर से गोबर में फिर चूल्हे को पहले लीप रही हूँ, क्योंकि पापा को काम में जाना रहता है तो जल्दी जाते हैं तो उनके लिए जल्दी बनाना पड़ता है, और अभी ना चूल्हा लीपे आग नहीं जलाते हैं, डेली के डेली लिपना पड़ता है, और साथ में पूरा घर को भी लिप देते हैं क्योंकि दिन भर चलते रहते हैं तो मिट्टी का है तो, और अगर ज़्यादा काम रहता है उस दिन लेट होते रहता है तो पूरा घर को नहीं लिपते हैं, लेकिन चूल्हा को जरूर लिपते हैं। तो बस थोड़ा सा ही अगर लेट होते रहता है तो चूल्हा को ही थोड़ा सा लिप के आग जला देते हैं, तो बस मैं इतना तक ही, क्योंकि यहाँ बस भी खाए रहते हैं, खाना उना खाए रहते हैं तो गिरा रहता है, तो ऐसे लिप देने से अच्छा रहता है। तो अभी यहीं तक मैं लिपूंगी, मैं पूरा नहीं लिपूंगी क्योंकि छोटी बहन मेरे को ना उठाई है कितने बार, तब कहीं जाके पापा उठाए तब कहीं जाके उठी, और मम्मी रहती थी तो मम्मी लिप दिए रहती थी और बना भी देती थी पापा के लिए, बट अभी नहीं है तो उठाए मेरे को तो कहीं जाके उठ पाई हूँ, और ये गाँव का तो काम ही है डेली का काम। तो मिट्टी के चूल्हे की साफ सफाई, और देखिए यहाँ पे बच्चे लोग उठे भी नहीं हैं, उसमें छोटी भाई बहन सो रहे हैं, इसमें बेटा सो रहा है, और लाइट ना जाओ इतना तक मैं लिपी हूँ, उधर कोई लोग उठ लेंगे फिर मैं लिपूंगी बाद में, तभी उठे नहीं है तो बिस्तर उस्तर मोड़ मार के लिपूंगी, और ये लाइट ना चमकता था इसीलिए मैं साल को की हूँ, क्योंकि रात को हम लोग लाइट को नहीं बुझाते हैं, डर लगता है अभी, वह उसमें तीनों भाई बहन उन लोग सोते हैं, उसमें बेटा मैं हम लोग एक ही जगह चारों पाँचों भाई बहन सोते हैं, तो अभी मैं जला लेती हूँ आग, क्योंकि आग भी जलता नहीं है जल्दी, और वहाँ पे रेपर क्यों किए रहते हैं क्योंकि मिट्टी तेल डाल डाल के जलाना पड़ता है, तो रेपर को भी किए रहते हैं पन्ने वन्नी, तो उसमें जल बहुत जल्दी जलता है यार। तो ये देखिए फिर पहले छोटा छोटा लकड़ी को डाल लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल जाता है, तो अभी ये देखिए आग जल गया, और इसमें ना रात को चना को भिंगा के रखे थे तो इसी का सब्जी बनाएंगे, और चना के साथ में आलू भी धो के डाल दी हूँ, तो इसको उबलने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ, और ये उबलते रहेगा तब तक मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि आटा गूँथते तक उबल जाएगा, भिंगा हुआ है तो उतना लेट नहीं लगेगा उबलने में, तो बस। और ये ना काला ही है, डेक्ची के नीचे काला ही कर दिए हैं, तो इसको नहीं तो कुकर में जल्दी और जल्दी उबलता है, बट कुकर को फिर से भी निरमा में पोतियाना पड़ेगा उसके नीचे को, नहीं तो छूटता नहीं है, तो बस इसमें भी हो जाएगा उबल जाएगा। तो ये मेरा आटा गुथा गया है, और अभी मैं काट लेती हूँ प्याज, और ये भी पक चुका है, इसको मैं खोल के देखी तो इसको मैं उतार के अभी साइड में रख दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा अभी, तब तक फिर पहले मैं बना लेती हूँ रोटी। और ये रोटी भी ना मेरे से ना ये बेलन का जो है ना एक साइड थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, तो पहले से ही है तो बट उसी में निशानी पड़ जाता है, मेरे से बनता नहीं है, तो मैं मोटा मोटा जैसे तैसे बना दे रही हूँ, तवा के बीच में भी गड्ढा टाइप का है तो ऐसे तेज आग भी तेज जलता है तो जल जाता है, रोटी चिपक जाता है उसी में, तो अब कम जलाने से पकता नहीं, बहुत टाइट हो जाता है। तो और बेटा खाने टाइम क्या बोलता है, ये तो पत्थर का रोटी है, कितना टाइट है, कौन बनाता है ऐसे रोटी, पत्थर का रोटी है। तो कोई नहीं, अब क्या करें, बनाना नहीं चाहते बट कभी कभी का बन जाता है, काट दो। तो अब बच्चे लोग चाय के साथ खा लेते हैं, और शाम का सब्जी रहता है, अगर नहीं बन पाता है तो उसी में पापा भी खा लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसी तरह से सारा रोटी बना लूँगी, कभी कभी ना होती लगता है चूल्हे में बनाना, दिन भर आग फूकना नहीं जलता है तो, बट क्या करें कोई नहीं, तो रोटी बना दी थी, अब मैं दे दी, पापा लोग भी काम में चले गए, वहाँ पे मैं गोबर फेंकने आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग बैला बांधते हैं, उसको कोठा बोलते हैं, तो यहाँ का भी झाड़ू लगाते लगाते फिर यहाँ का, और मेरी संजली वाली बहन है और झाड़ू बर्तन कर रही है, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गोबर फेंकने। तो देखिए छोटा छोटा
तितली जो होता है वही उड़ रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया सिंचोला भी नहीं दिख रहा होगा, अंधेला अंधेला। ये देखिए दीवार पे कितना गंदा बैला लोग ना खुजलाते हैं। तो क्या करें, होते रहता है, कोठा है तो मैं जा रही हूँ इसको फेंक देती हूँ अभी। सो फ्रेंड, हमारा घर का सारा काम हो चुका है, अब अभी मैं आ गई हूँ बाड़ी में। तो ये भिंडी बड़ा बड़ा हो गया था तो इसको मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि सब्जी तो अभी बन चुका है तो, बट इसको शाम को बनाएंगे क्योंकि ये भी टाइट हो जाता है ना, तो बस अभी तोड़ दे रही हूँ इसीलिए। अभी मौसम भी खुला है, नहीं तो पानी गिरता है तो फिर गीला गीला में भींग जाते हैं, तोड़ने का भी मन नहीं करता, तो अभी यही तोड़ के रख देती हूँ। वैसे भिंडी भी अभी लास्ट लास्ट हो गया है तो इसलिए यहाँ पर, नहीं तो जब तक चल रहा है यहाँ पर सभी इसको नहीं साफ किए हैं, फिर इसमें कोई दूसरा लगा देंगे या फिर बारीक कोई बुन देंगे मकई कुछ भी। आप एक दो टमाटर भी ले जा रही हूँ, तो यही था आज की वीडियो।